उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आइए हम लोग परमेश्वर के आज के मनन के विषय में आगे बढ़ते हैं। मैंने जो भाग आज आप लोगों के सम्मुख चुना है, ये लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय है। आज से करीब 5 महीने पहले मैंने इसी अध्याय के एक छोटे से भाग पर बोला था, आज मैं उसी अध्याय के दूसरे भाग पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। लूका 10 इस प्रकार से शुरू होता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य, कहीं कहीं 72 भी लिखा है, 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। ये वचन की शुरुआत हो रही है क्या कह के, इन बातों के बाद में प्रभु यीशु ने अपने 70 चेलों को भेजा, दो दो करके भेजा, मतलब 35 ग्रुप 35 ग्रुप्स में भेजा, मतलब 35 गांवों में जाए होंगे ये लोग, 35 गांवों में जाकर के आरंभिक प्रचार किया और बताया तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु फलाने दिन आ रहे हैं, वो मंडे को आपके गांव में आने वाले हैं, दूसरा वाले ने बताया ट्यूसडे को आपके यहां पर, ऐसे करते करते या अगले सप्ताह आपके पास में आने वाले हैं। प्रभु यीशु के आगमन से पहले प्रभु यीशु के दूत आकर के बता देंगे कि प्रभु यीशु आने वाला है, उसके बाद में यह कहने की जरूरत नहीं, ओ हमको तो मालूम ही नहीं था। आपको विशेष करके, हम बाइबल पढ़ने वालों को, चर्च जाने वालों को रोज रोज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको प्रतिदिन बताता है यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने का तरीका है। इसका मतलब यह है कि हमें तैयार रहना है। जिस दिन प्रभु यीशु आपके गांव में आ रहे हैं उस दिन आप अपने सारे कामकाज को पहले ही निपटा दो, उस दिन प्रभु यीशु के साथ में प्रभु यीशु के चरणों में बैठने की इच्छा रखो। प्रभु यीशु आ रहे हैं इसलिए नहीं है कि आपके घर में खाना खाएंगे तो बहुत बड़ा खाने का प्रबंध करके रखा है और टेबल सजा के रखा है। प्रभु यीशु के लिए एक दिन बैथनी में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु खाने के टेबल पे नहीं गए और वे उस जगह पर बैठे थे जहां से उनको वचन सुनाने थे और उसके चरणों में बैठी मरियम के लिए वे कहते हैं इसने उत्तम भाग चुना है। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज, और एक ऑप्शन कह रहा है प्रभु यीशु आ रहा है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही सबसे उत्तम ऑप्शन है, इसको चुन लेने का है, प्रभु यीशु आ रहा है, उसके अलावा कहीं ध्यान मत जाने दीजिए। इन्हीं अंतिम दिनों में भटकाने वाली बातें बहुत सारी रहेंगी, ऐसी ऐसी बातें जो आपको प्रभु के पास से खींच करके कब दूर ले जा लेंगी अंदाज भी नहीं लगेगा। तो प्रभु यीशु अपने आने से पहले खबर कर रहे हैं, और तो और दो दो करके कर रहे हैं। दो दो करने का मतलब क्या होता है, यदि एक व्यक्ति एक बात कहे तो शंका हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है कि दो गवाहों के द्वारा अगर कह दी जाती है कोई बात तो यह मान लेना है। परमेश्वर इस संसार में सारी बातों को जो कर रहा है उन बातों के लिए भी, पुराने नियम से आप स्टार्ट करेंगे ना तो वहां से हमको मिलता है तेरे विरोध में कहने के लिए मेरे पास में दो गवाह हैं। ये उत्पत्ति में भी बोला है और प्रकाशित वाक्य में भी बोला है, दो गवाह के बारे में बात कर रहा है, एक से काम नहीं। परमेश्वर हमसे लगातार आगाह करता है और बताता है, चेतावनी देता है, दो दो बार बोलता है। आपको मालूम है एक घटना, जब मूसा पहाड़ से उतर रहे थे, मूसा जब पहाड़ से उतर रहा था तो उसके हाथों में पत्थर की दो पटियाएं थी, और आपको मालूम है परमेश्वर यह कहता है कि यही चट्टान तेरे विरुद्ध गवाही देगी, उसके हाथ की ये दो चट्टाने मानो मुंह खोलेगी। और नए नियम में प्रभु यीशु ने फिर से एक बार बोला, अगर तुम चुप बैठोगे तो ये पत्थर बोल पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत से गवाह है, दो दो गवाह हैं, और ये दो गवाह उसने हमारे सामने रखे हैं, और सबसे बड़ा दो गवाह तो मेरे हाथ में इस समय है, और ये है बाइबल, पुराना नियम और नया नियम, दो गवाह से बात करता है। प्रभु यीशु आने वाला है, पुराना नियम भी बोलता है,
प्रभु यीशु आने वाला है, नया नियम भी बोलता है, और यही दो गवाह उस दिन आखिरी दिन खड़े हो जाएंगे और हम पर उंगलियां उठा देंगे, खबरदार हमने तुझको बताया था, तुझ में से तो कईयों को तो बचपन से बताया था, आज तू 50 साल का हो गया, 70 साल का, 80 और 90 इतने बरस का हो गया, मैंने दो गवाहों को तेरे सामने रखा है, तू झुटला नहीं सकेगा। प्रियो, समय है कि हम बड़े पश्चातापी हृदय से प्रभु की वाणी को सुने, जबकि उसका आगमन बहुत करीब है, प्रभु यीशु बहुत करीब है, दरवाजे पर आ गए हैं, दरवाजे को बस खुलने का समय, और देखिए कैसे अचानक होगा उसका आना, फिर हम भागते नहीं भगने पड़ेंगे और हम संभल नहीं पाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो हमें तैयार रहना है, जबकि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके हमसे कहा है। पर यह शब्द की शुरुआत हो रही है, देखिए, इन बातों के बाद, इन बातों के बाद। तो वास्तव में कौन सी बातें हैं जो घटी थी जिसके बाद में प्रभु यीशु ने 70 चेलों को भेजा? यदि आप केवल ऊपर का एक पैराग्राफ देखें, यानी कि 9वें अध्याय के 57वें वचन से आगे, तो वहां पर लिखा है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यानी प्रभु यीशु के डिसाइपल बनना चाहते हैं। आज सारा के सारा चर्च बिल्कुल यही वाक्य कहता है, प्रभु यीशु से आज भी पूछता है, भैया बता दे यीशु तेरा मार्ग क्या है तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। संडे स्कूल का बच्चा भी यही पूछता है, जवान भी यही पूछ रहा है, बड़े लोग भी यही पूछ रहे हैं, प्रभु जी बता क्या करने का है, मैं करूंगा। और आपको पता लगेगा कि जवाब में प्रभु यीशु ने बड़ी कड़क वाली बात कह दी है, एक डिसिप्लिन की बात कह दी है, एक कठोर बात कह दी है, मानने में जो बहुत मुश्किल जाएगी ऐसी बात कह दी है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु ने आने के बाद में, मेरे साथ मिलने के बाद में तुम्हारी लग्जूरियस लाइफ के बारे में मत सोचना, ऐसा कह दिया है। उसने कहा लोमड़ियों के भी, यानी जानवरों के भी कुछ ना कुछ गुफा हो जाते, घर हो जाते, घोंसले हो जाते, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास में जब तुम आते हो तो क्या ऐसे एक्सपेक्टेशन से आते हो कि मैं तुमको बंगला और गाड़ी देने वाला हूं? यदि ऐसा सोच के आते हो तो मत आना, मैं तुमको ये चीजें नहीं देने वाला। और उस बड़ी सी भीड़ में से हजारों लोग चले गए, लेकिन 70 लोग बचे रह गए। इन बातों के बाद, कहने का मतलब प्रभु यीशु ने चेले बनने का मूल्य बता दिया, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो जान लो इस बात को कि इतनी बड़ी कीमत देनी होगी। मुझे गिदोन के समय का वो दिन याद आता है, जब गिदोन अपनी सेना को लेकर के सामने खड़ा हो गया परमेश्वर के, और परमेश्वर ने देखा 32,000 लोग, और परमेश्वर ने कहा बहुत ज्यादा है, और गिदोन से कहा एक ऐलान तो कर दे, और उनसे कहे कि जितने लोगों को युद्ध से डर लगता है, तलवार से डर लगता है, मार काट से डर लगता है, युद्ध करने से डर लगता है। थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे कि हमें भी युद्ध करना है। तो यहां पर गिदोन के मुंह के द्वारा जब ये वचन निकला कि कौन कौन युद्ध से डरता है, वे लोग वापस चले जाए, अपने अपने घरों को चले जाए, अपने अपने खेतों को चले जाए, आराम से रहें। 32,000 लोगों में से 22,000 लोग लौट गए। केवल 10,000 लोग बचे थे जो 1,00,000 की सेना को लड़ने के लिए जाने वाले हैं। गिदोन थोड़ा सा सहम गया और बोला, ठीक है प्रभु जी, आप साथ में 10,000 से काम चला लेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी भी बहुत हैं। अब इसके बाद में तो उनको छांट, और छांटने का भी तरीका बड़ा मजेदार था। उन्हें बोला, तू इन्हें पानी के पास में लेकर के चल, और पानी के पास में, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं मालूम है, लोगों का सोचना है कि वहां कुत्ते के समान छपड़ छपड़ कौन पी रहा है उसको, गलत। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, घटना जब दिखाई जाती है ना तो लोग एक तरफ ध्यान देते हैं और असली बात या सच्ची बात या आत्मिक बात जो है उसको छोड़ देते हैं। बाइबल को एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने यहां पर अपने शिष्यों को चुनने के लिए, देखिए हम तो समझते थे 12 चेले हैं। मैं आज भी बच्चों से पूछता हूं, जवानों से पूछता हूं, बड़े से पूछता हूं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के नाम बता सकते हो? बोले पूरे 12 चेलों के नाम याद है। मैंने कहा 12 ही चेले थे? हां 12 चेले थे, लेकिन ये वाले पाठ को पढ़ा तो पता लगा 70 चेले थे। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में जाओगे तो पता चलेगा 120 चेले थे।
थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो 500 चेलों के बारे में, 3000 विश्वासियों के बारे में, 5000 विश्वासियों के बारे में, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, चेले 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 बढ़ते 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 चले जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं और चुनने के बाद में छलनी में छांटते हैं और छांटते हैं, चुन चुन करके निकालते हैं। यह बहुत कठिन टेस्ट है, वहां से निकलता है। तो मैं आपको गिदोन के बारे में बता रहा था। जी हां, तो कई लोग समझते हैं कि गिदोन ने एक लाइन लगा दिया सब लोगों की और बोला चलो पानी पियो, और जब वो पानी पी रहे थे तो नोट कर रहा था क्या नाम है तुम्हारा, तुम इधर जाना तुम उधर जाना, इस तरीके से कुछ चल रहा होगा। प्रभु यीशु आज अपने शिष्यों को चुनने के लिए बिल्कुल इसी तरह का एक टेस्ट रख दिया सामने कि तुम अपने जीवन में मेरे से क्या पाना चाहते हो। और जिस शिष्य ने सुन करके ग्रहण किया और कहा प्रभु जी मैं इस मूल्य को देने के लिए तैयार हूं, प्रभु जी ने कहा तू आ मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसे कई लोगों को है, देखिए उसी पैसेज में लिखा है मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, जो ये करना चाहता उनको करने दे, तू मेरे पीछे होकर के चल। दूसरा एक और था जो बोलता है नहीं प्रभु जी मैं अपने घर वालों को बस बाय बाय बोल करके आता हूं, प्रभु जी ने कहा चला जा। जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बहुत ही पतली वाली छन्नी है, है ना, मोटे मोटे दाने गिरने लायक बात ही नहीं है, बड़ी पतली छन्नी है। और ऐसे छान छान करके प्रभु यीशु अपने लिए चेलों को चुन रहे हैं। और इन बातों के बाद में वे अपने 70 चेलों को भेजते हैं। तो वास्तव में जब पानी पीने के लिए ये पहुंचे तो आपको मालूम है क्या दृश्य था वहां पर। उन 300 लोगों को लिया गया जिन लोगों ने अपने हाथ से लेकर पानी यों पिया। कई लोग समझते हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसे हाथ टिकवा दिए और जीभ से छपड़ 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 करके उन्होंने पानी को पी लिया, उन लोगों के लिए। आप ध्यान से पढ़िएगा उस भाग को और आपको पता चलेगा वो नहीं, परंतु वो 300 लोग जो जिन्होंने पानी को इस तरीके से लेकर के पिया जिनके हाथों के भाले छूटे नहीं थे। पानी भी पी रहे हैं तो जिनके हाथों से अपनी तलवारें हटी नहीं है, केवल उन लोगों को चुनना। और पूरी भीड़ में से 10,000 में मात्र 300 लोग ऐसे निकले जो अपनी तलवार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। पानी भी पीऊंगा मैं तो गिदोन तेरे कहने पर पी रहा हूं, पर मैं अपनी तलवार नहीं छोड़ूंगा। दूसरे लोग थे जिन्होंने अपने सामान को उतार करके फेंक दिया और बड़े मस्त से पानी पिए जा रहे। प्रभु जी ने कहा ये लोग नहीं है मेरे लिए। मैं नहेमिया के समय में दीवार को भी बनते देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वे लोग एक हाथ में अपने औजारों को जिसमें ईंट और सारी मिट्टी और गारे को लेकर के दीवार खड़ी कर रहे, लेकिन दूसरे हाथ में वो बर्छे को लेकर के वो तलवार को चमका रहे। ये तलवार छूटनी नहीं चाहिए। मेरे और आपके आज के बचे हुए जीवन में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक हाथ में तलवार होनी चाहिए। लगातार 2400 घंटे जब ये तलवार हमारे पास रहेगी, केवल तब ही हम प्रभु के शिष्य बनकर उसका काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 10वें अध्याय का पहला वचन हमारी समझ में आ गया कि प्रभु जी ने इन 70 को कैसे चुना, छन्नी में छान करके चुना है और एक बड़े काम के लिए भेज रहा है, एक युद्ध पर भेज रहा है। युद्ध पर जाने वाले हैं ये 70 लोग। और देखिए दो दो के गुट में जा रहे हैं, एक दूसरे को संभालेंगे ये लोग। और जिस नगर को जिस गांव को वो खुद जाने पर था, पहले से बता दिया मैं उस गांव में जाने वाला हूं, मेरा टाइम टेबल ऐसा है, उसने अपने चेलों को बताया, चेलों से कुछ छुपाता नहीं था। और उसने बता दिया उनको कि फलाने गांव को बताना मैं आ रहा हूं और इस तारीख को आऊंगा और सुबह आ जाऊंगा, सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा, बता देना। और जितने लोग सुबह के 6 बजे भी सोते पाए गए वो यीशु को नहीं देख पाए। प्रभु जी ने कहा है कि मैं फलाने समय आता हूं, हमको तो बाइबल में कहा आधी रात को भी तैयार रहना, कभी भी आ सकता है। और कभी भी आएगा तो वो ये चाहता है कि मैं अपने सेवकों को देखूं कि वो काम में लगे हैं और तब उनको मैं इनाम दूंगा। तो अपने
उन स्थानों की तरफ, उन नगरों की तरफ वो भेज देता है जहां वो खुद जाने पर था, और ये 70 चेले दो दो करके 35 गांवों में नगरों में चले गए। प्रभु यीशु ने इनको भेजते हुए मालूम है क्या कहा? यीशु ने कहा, पके हुए खेत बहुत हैं। हम में से शायद सब लोग किसान नहीं हैं, पर जो लोग हैं वो जानते हैं, या हम लोगों के भारत देश की जो इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। हमारे देश का जो जीडीपी है वो भी 70% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, खेतों से आता है। तो हम लोगों को ये बात दिखनी चाहिए, अगर आप ट्रैवल भी करते हैं चाहे बस में चाहे ट्रेन में और आप बाहर देखते हैं तो आपको खेत जरूर दिखेंगे। और खेत का एक बड़ा प्यारा सीजन होता है और वो होता है कटनी का समय, यानी खेतें भर के तैयार हैं, फसलें खड़ी हैं और उसमें फल आ गए हैं, पूरे भरपूर आ गए, अनाज की डंडियां अच्छे से लग गई हैं, और उस समय जबकि कटाई होनी है। पके खेत बहुत है, इसका मतलब क्या है कि खेत अब कटनी के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अगला शब्द है परंतु। परंतु मजदूर थोड़े से हैं। अब देखिए ये 35 लोगों के तरफ, 35 गांवों की तरफ लोग जा रहे हैं, ये किस लिए जा रहे हैं? ये 3500 गांवों में जाएंगे और वहां पर भी शिष्यों को बना रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को उनके बीच में, उनके बीजों को बो रहे हैं, और फिर वहां से फसल होंगी तैयार। और परमेश्वर का बेटा कहता है, मैं देख रहा हूं कि खेत तो पहले ही तैयार है, तुमको जाने का है और कटनी करना है, मजदूर थोड़े से हैं, थोड़े से हैं जो काम करेंगे वहां। और मजदूर शब्द से एक और शब्द है कि इनको मजदूरी भी जरूर मिलेगी, परमेश्वर इनको इनाम जरूर देने वाला है। लेकिन लिखा है, इसलिए कि मजदूर थोड़े से हैं, खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज इस संसार में हम देख रहे हैं कि खेत है और खेत पककर के तैयार है, अभी केवल हंसियां लगनी बाकी है, लेकिन उसके लिए भी लोगों की कमी हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो अब जाकर के इनको बटोर लेंगे। बटोर लेने का मतलब क्या है? वचन दे दिया गया और वचन उनके अंदर पनप गया है और वो वचन ने फल ला लिया है और वो प्रभु यीशु के लिए फलने को तैयार है। अब कटनी होगी, फसिया चलेगी और उन्हें इकट्ठा करके परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाने का है, और यह प्रिविलेज हमको मिला हुआ है। मट्टी खोदने की मेहनत किसी ने किया था, वचन बोया किसी और ने था, और पानी कोई और डाल रहा था, खाद कोई और डाल रहा है, और फसल की देखरेख और कीटनाशक किसी और ने डाला, लेकिन अब हमारी पीढ़ी को, मुझको और आपको यह सम्मान मिला है कि हम जा करके कटनी से उनको बटोरें और परमेश्वर के घर में लेकर चलें। ये लास्ट स्टेज का जो काम है, प्रभु यीशु के आगमन के जस्ट थोड़े पहले का काम है, ये सबसे प्यारा काम है जो हमको परमेश्वर ने दिया है, और वो है कि इनको बटोरने का काम है। खेत तैयार है, खेत पक्के तैयार है, और तो और ये सारे लोग रुके हुए हैं कि कोई मसीह भाई मेरे पास आ जाए, कोई मसीह बहन मेरे पास में आ जाए और बस बोल दे एक बार कि प्रभु यीशु तुझसे प्यार करता है और मैं प्रभु को ग्रहण कर लूंगा, मैं प्रभु को अपने गले से लगा लूंगा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं अपने सारे देवताओं को छोड़ दूंगा, मैं यीशु को पकड़ दूंगा, कोई 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 हसिया तो चलाए मेरे ऊपर। सारा काम हो चुका है, खेत पक कर के तैयार हैं, मजदूर कम पड़ गए। कितना आसान है मेरे लिए, आपके लिए, कि हम लोग 6 महीने 7 महीने घर में बैठ करके वचन सुने और वचन सुनाए, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और परमेश्वर हर एक को सुना रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप किसी को फोन करने जाएंगे ना तो हर दूसरे तीसरे के कॉल करने के समय वो एक आवाज आपको सुनाई देगी, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह इशारा दुनिया के लिए नहीं है, यह इशारा परमेश्वर के लोगों के लिए है। कटनी का समय आ गया है, कटनी का समय आ गया, कटनी का समय, अरे अब तो जागो, मसीह लोगों से कहा जा रहा है। और इसीलिए प्रार्थना करने वालों, कुछ दिन पहले मैं बुजुर्गों से कह रहा था, आप लोगों को एक बहुत बड़ी सेवकाई का काम कर सौंपा गया है, और उस सेवकाई का काम है प्रार्थना करना, और ये बड़े काम में सबसे ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। मालूम है प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? इसीलिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो
कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। अभी भी हो सकता है। आप जो गवाही दे रहे हैं 80-90 साल की उम्र में आ गए हैं कि आप परमेश्वर के लिए कोई काम के नहीं, आप परमेश्वर के लिए बहुत काम के हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने आपसे कहा है, पिताजी से प्रार्थना करो कि वो खेत के कटाई के लिए मजदूर को भेज दे, और ये प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और भारत देश बड़ी तरीके से परमेश्वर के सामने खड़े होने को तैयार है। ये काम बेहद कठिन होगा, जब हम खेतों में जाएंगे काम बड़ा कठिन है। देखिए उसके आगे के शब्द में लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सब लोग जानते हैं कि कटनी का काम इतना आसान नहीं होगा। जब हम खेतों में पहुंचेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए बटोरेंगे तो हजारों और सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे हमारा विरोध करने के लिए, डंडों को लेकर के और पत्थरों को लेकर और आग और न जाने क्या क्या किस तरीके से नाश करने को दौड़ेंगे। भेड़ियों के समान फाड़ खाने के लिए वे दौड़ पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने साथ में कुछ भी मत लेना, कुछ भी मत लेना जिस जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं। किस किस पे भरोसा है? देखो, अपने बटुए को मत लेना। सबसे ज्यादा इंसान आज अपने बटुए पे भरोसा करता है। कहीं पर भी निकल रहा है तो बटुआ जरूर रखता है, चाहे बाजार जा रहा हो, बटुआ समझ में आता है, खरीदने को कुछ जा रहा है, लेकिन वो आराधना के लिए भी निकलेगा, चर्च के लिए भी जाएगा, बटुआ साथ में रखता है। उसको ऐसा लगता है बटुआ साथ में होना जरूरी है। मैंने कई बार जवानों से और बच्चों से बहुत बोला है, चर्च जाते हो पैसा नहीं ले जाओगे चलेगा, परंतु बाइबल जरूर लेकर के जाना, अपने साथ में तलवार को रखना बहुत जरूरी है। तो बटुआ नहीं लाओगे, और उसके साथ में लिखा है झोली मत लाना। झोली का मतलब होता है भोजन की व्यवस्था। जब भी कोई अपने सफर पे निकलता है, छोटे से छोटा सफर हो, 2 घंटा 3 घंटा, तो भी पता नहीं, अपने साथ में बिस्किट के पुड़े रख लेते हैं। लंबा सफर हो, पुराने समय में तो वास्तव में एक झोली बांध करके घर वाले दिया करते थे, माँ अपने जवान बच्चों को दिया करती थी, यहां तक कि खेत पे भी जाते थे तो झोली बांध करके लेकर के जाते थे। तो परमेश्वर कह रहा है बटुआ रखने की भी जरूरत नहीं है, झोली रखने की जरूरत नहीं है, और जूते रखने तक की जरूरत नहीं है। जूते का मतलब होता है कि एक लंबे सफर के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है। परमेश्वर कहता है इतना चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, मेरा आगमन बहुत करीब है, तुम खेत की कटाई करते हुए अभी थोड़ा दूर भी नहीं निकलोगे कि मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद में लिखा है न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ऊपर की सारी बातें तो समझ में आ गई, बटुआ नहीं लेने का है और झोली नहीं लेना है, जूते नहीं लेना है, लेकिन नमस्कार करने के लिए मना कर दिया। यहां नमस्कार शब्द आया है, यहूदी तरीके जो होते थे ग्रीटिंग के, जब एक दूसरे को वो शालोम कहा करते थे, तो उस समय एक खास बात होती थी कि वे एक दूसरे का हाथ थामते थे, यानी सामने वाले अपने हाथ को ऐसा रखता था और दूसरा वाला भी, और वे पकड़ते थे। उसके बाद में शालोम कहते थे, कभी कभार गले से लग जाया करते थे, और उनका जो मिलना होता था वो आजकल के समय के मिलने के समान नहीं है। आजकल दो दोस्त हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, जब यहां आते हैं वे एक दूसरे को देख करके हाय और हाय बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन इन दिनों में जब आप किसी व्यक्ति से मिलते थे तो रुकना है, रुक करके हाथ मिलाना है, रुक करके गले लगना है, और एक दूसरे का हाल पूछना है, एक दूसरे के परिवार के घर के एक एक लोगों का हाल पूछना है, इस प्रकार से बात हुआ करती थी। यानी काफी समय लग जाया करता था जब आप इस तरीके से आमने सामने आकर के किसी से मिल गए। और प्रभु यीशु ने यह कहा कि इतना भी समय नहीं होगा कि तुम आपस में एक दूसरे को इस रीति से अभिवादन कर सको, ग्रीट कर सको, और इसलिए कहा कि रुक मत जाना, नमस्कार के बहाने खड़े मत रह जाना, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में इतने करीब आ गए हैं कि अब एक एक सेकंड बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए संभल करके रहना। लिखा है जिस किसी घर में जाओ पहले कहना, जिस किसी घर में जाते हो, आप कहीं जा रहे हो वचन प्रचार करने के लिए जा रहे हो, तो पहला वाक्य जो रहेगा वो रहेगा शालोम, वो रहेगा तुम्हें शांति मिले। और अब हम इसको कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में आपको शांति मिले, और एक कंडीशन भी लिखी है, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास में लौट आएगा। देखिए मसीही व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति की जबान में बेहद ताकत होती है। आप आशीर्वाद दे सकते हैं,
बीते दिनों में, बीते 6 महीनों में मैंने कई मसीह लोगों से बातें की और इन मसीह लोगों के मन में एक डर की बात को मैंने देखा और वे मुझसे कह रहे थे कि ब्रदर प्रेयर कर दो, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, मतलब किसी ने श्राप लगा दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है। यहां तक कि कुछ दिन पहले ही, कल परसों की बात है, एक मसीह महिला से मिला, वो भी बता रहे थे कि एक मसीह परिवार में एक मां ने अपने बच्चे को खिला दिया, अब वो बच्चा बहुत बीमार है। बाइबल हमसे कहती है कि तुम्हारे मुंह से कल्याण का ही शब्द निकले, आशीर्वाद का शब्द निकले और यही तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला शब्द हो। जब भी किसी से मिलते हो, अभी बताया भी नहीं है कि तुम्हारे प्रियजन का घर है, तुम्हारे रिश्तेदार का जन है, तुम्हारे दोस्त का घर है, नहीं, तुम जिस किसी घर में जा रहे हो पहले तुम कल्याण दे दो और देने के बाद में अगर वो उस लायक हुआ तो वो ग्रहण कर पाएगा या ले पाएगा, अन्यथा वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो मैं मसीह लोगों से कहना चाहता हूं, उसी रीति से जब कोई श्राप देना चाहता है, मसीह व्यक्ति को श्राप देना चाहता है, तो हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसी बात को रखा है कि वो श्राप आके ठहरता नहीं परंतु वापस चला जाता है। और वापस किसके पास में जाएगा? जिसने दिया था आशीर्वाद, दिया आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं तो आशीर्वाद वापस आता है, श्राप भी दिया जाए नहीं है उसके लायक का तो वो श्राप भी वापस आता है, जिसने कहा उसके पास में आता है। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही वाक्य फिलहाल बता देता हूं कि ये योग्यता क्या होती है, क्योंकि आप भी हो सकता है रिसीवर एंड पर है, आपके घर में भी प्रभु का कोई सेवक आया है और वो सेवक ने आपको आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद आप चाहते हैं कि हमारे घर में बनी रहे, वो शांति बनी रहे, क्योंकि लिखा बहुत स्पष्ट है जिस घर में जाओ पहले कहना इस घर पर कल्याण हो और यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा अन्यथा तुम्हारे पास में लौट आएगा, जिसके पास में है उसको दिया जाएगा। तो परमेश्वर की शांति का राजकुमार अगर आपके घर में रहता है तो और शांति आएगी। जब कोई आशीर्वाद के शब्द कहेगा तो आपका घर और भरेगा। उसके लिए वो शांति का राजकुमार का घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। बहुत से घरों में कलह होता है, झगड़े होते हैं बहुत से घरों में, यहां तक कि मसीह परिवारों में पति और पत्नियों के भी झगड़े चलते हैं, मसीह परिवारों में बच्चे, जवान बच्चे और माता पिता के भी झगड़े चलते हैं। और ऐसे घरों के दरवाजे पर 10 पास्टर्स आकर के अगर बोलेंगे तुमको शांति मिले तो बाइबल का यह वचन कह रहा है तेरे घर में शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शांति पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है और जो योग्य होगा वो वहां पर ग्रहण कर पाएगा, उस आशीष को ले पाएगा। उसी घर में रहना और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर में मत फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें अगर उतारते हैं तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाता है वही तुमको खाने का है। ये लूका का 10वां अध्याय है। मैं मत्ती के 10वें अध्याय से भी एक छोटा सा शब्द आप लोगों को पढ़कर के बताना चाहता हूं। मत्ती का 10वां अध्याय और उसका 42वां वचन, यहां पर लिखा है जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। यहां पर भी प्रभु यीशु अपने चेलों को भेज रहे हैं और वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा भेजने वाले को ग्रहण करेगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को स्पष्ट बता दिया, 70 चेलों को भेज रहे हैं, तुम जहां जाओगे जरूरी नहीं कि कोई तुमको ग्रहण कर ले, हो सकता है तुमको भगा भी देंगे और जब भगा देते हैं तो लड़ना झगड़ना मत, वहां अपनी धूल झाड़ देना पैर की और निकल करके आ जाना,
परंतु जो ग्रहण करता है तो समझ जाना कि उसने मुझको ग्रहण किया, उसने परमेश्वर पिता को ग्रहण किया है। और जो तुमको शिष्य जान करके ग्रहण करेगा वो शिष्य वाली आशीष को पाएगा, जो भविष्यवक्ता जान करके ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता वाली का बदला पाएगा, और जो धर्मी जान करके ग्रहण करेगा वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई तुमको एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे मैं उसको इनाम जरूर दे दूंगा, प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा है। और इसीलिए मसीह लोग, और भारत देश की संस्कृति ऐसी बताती है कि जिस किसी घर के दरवाजे पर कोई आकर के पानी मांगता है पानी जरूर दे देते हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं दुश्मन भी आकर के पानी मांगे तो उसको पानी जरूर दे देना। तो बाइबल के ये शब्द को याद रखिएगा कि जिस किसी व्यक्ति ने तुमको एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाया है वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। ये एक कटोरा ठंडा पानी पिलाने के पीछे भी यहूदी संस्कृति शामिल है। वास्तव में जो पैलेस्टाइन या इसराइल प्रदेश है, जो पूरा देश जो है, ये कुछ हद तक, यानी अगर आप तटीय क्षेत्र में और यर्दन के किनारे में नहीं है तो बड़ा सूखा क्षेत्र है, यानी मरुस्थल की जगह है। और मरुस्थल में इन दिनों में ट्रैवलर्स बहुत होते थे जो इजिप्ट से निकलते थे, एक बहुत ही मेट्रो कंट्री हुआ करती थी, और फिर वहाँ से निकलकर बेबीलोन की तरफ जाते थे, यानी लंबा है। और उनको इस तरीके से इज़राइल से होते हुए और सऊदी से होते हुए ये रास्ता तय करना पड़ता था। तो ये जो यात्री लोग हुआ करते थे इनको और कुछ नहीं पर पानी की ज़रूरत ज़रूर होती थी। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो पानी का अभाव होता था, और इसलिए पानी सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और ये पानी को ऐसा समझ लिए जैसे सोने और चांदी के समान, यानी अपने घर से निकलकर 5-5 और 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ से जल भर करके भी लाया जाता था। हमारे भारत देश में भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कई किलोमीटर दूर जाकर के भी पीने का पानी लेकर के आया जाता, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती बात होती, और इसीलिए वो पानी की एक एक बूंद को बड़े संभल करके इस्तेमाल करते। हम लोग पानी तो बहने देते हैं, हम लोगों के नल कई बार खुले रह जाते हैं, हम लोग घर लौट करके आते तो पता लगता है दिन भर से पानी बह रहा था, रात को सो जाते हैं बाथरूम का नल खुला रह गया, सुबह उठ के देखे पूरे घर में पानी भर जाता है। तो पानी का हम लोगों को ऐसा नहीं समझेगा, लेकिन एक कटोरा ठंडा पानी क्या होता है ये यहाँ के रहने वाले लोग जानते हैं। और अगर आप लाजर वाले दृष्टांत को पढ़ेंगे तो एक कटोरा की क्या बात है, वहां तो एक उंगली में पानी डुबा करके लगाने की बात कही है कि एक बूंद पानी भी कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर भी एक छोटी सी घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ये हमको राजाओं की पुस्तक में मिलेगी, पहला राजा और उसके 17वें अध्याय में। और यहां पर एलिया है, और एलिया ने अभी अभी एक स्त्री से कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। एलिया अभी एक बहुत लंबे सफर को करता हुआ आया है, और तो और अकाल का समय है। अकाल का समय मतलब अनाज है नहीं, और अनाज क्यों नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और बारिश नहीं हो रही है इसलिए नदी नाले सब सूखे पड़े। और उसके ऊपर से एक स्त्री से उसने गांव के बाहर कह दिया मेरे लिए पानी लेकर के आ। तो अब ये घर जाएगी, वहां से एक बर्तन में पानी लेगी और पानी को लेकर आएगी, और ये विधवा स्त्री थी, यानी ऐसा नहीं कि बहुत रिच है, बड़े नौकर चाकर है कि उसको बोल दे कि भाई पानी दे दे। और एक एक वाक्य सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, उसने कहा मेरे लिए एक कटोरा पानी लेकर के आना, और जब वो लाने के लिए पलटी तब उसने कहा मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेकर के आना। तो वास्तव में जब भी कोई यात्री इन यहूदियों के घर पर आकर के पानी मांगता था तो यहूदी लोग उनको केवल पानी का ग्लास भर नहीं देते थे, एक कटोरे में सिर्फ थोड़ा सा पानी नहीं देते थे, परंतु उन्हें रोटी भी दिया करते थे। और एलिया ने मानो सिर्फ यहूदी संस्कृति को याद दिला दिया, परमेश्वर के प्रेम को याद दिला दिया, तू पानी ला रही है और मैं एक यात्री हूं, मेरे लिए एक रोटी भी लेकर के आ जाना। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, तेरे घर में कल्याण हो बोलने के लिए हम लोग सुनने के लिए तैयार बैठे, परमेश्वर की आशीष हम पर ना जाए, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं अपने स्वर्गदूतों को लेकर आते हैं, मेरे को लेकर के जाए, मेरे परिवार को लेकर के जाए, और हम सब मिलकर के चले जाए, बड़ी इच्छा रखते हैं।
लेकिन ये इच्छा कैसे पूरी होगी, वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। ना खोएगा का मतलब जिस दिन मैं आऊंगा उसको प्रतिफल दूंगा, इनाम दूंगा, मैं दूंगा। किस दिन दूंगा? जिस दिन मैं आऊंगा, और जिस दिन मैं आऊंगा उसको उसके ठंडे प्याले का प्रतिफल दूंगा। पर तू पानी तो पिला, पानी तो पिला दे तू, और धर्मी जानकर पिला दे, भविष्यवक्ता जानकर पिला दे, चेला जानकर के पिला दे, जो समझता है एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे और एक रोटी दे दे। आज हम अपनी मुट्ठियों को अपने लिए अगर दबा के रखते हैं तो हम एक बहुत बड़े प्रतिफल को खोने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने प्रतिफल को न खोएगा, कभी न खोने पाएगा अगर वो इस रीति से करता है। परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम खास तौर से इस बात पर ध्यान दें कि हम गरीबों की सुधि कैसे लेते हैं, या जो अभाव में पड़े लोग हैं क्या हम उनकी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखिए 17वें वचन में चलता हूं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। जब निकला था तो प्रभु जी ने बहुत डरा दिया था कि जब तुम खेत में काटने के लिए जाओगे और वो कटनी करने को जाओगे तो भेड़िए तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, और फिर तुम घर में जाओगे तो वो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे और तुम्हें अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। और फिर उसके बाद में बोला, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए वो यदि सूर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग टाट ओढ़ कर बैठते, मन फिराते, पर न्याय के दिन तुम्हारे गांव की दशा और भी भयानक होगी। इस प्रकार से फिर बाद में कफरनहूम के लिए, ऐसे कहते कहते जो 70 चेले जा रहे थे, देखिए उनसे कैसी कैसी बातें कही गई। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, जब ये 70 लोग लौटते हैं तो आनंद से लौट रहे हैं, पिटके नहीं लौट रहे हैं, रोते हुए नहीं लौट रहे हैं, परंतु आनंद से लौटते हैं। तो हम में से जो लोग इस समय डरे हुए हैं कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अभी भी कुछ कर सकता हूं, बस कुछ समय बचाए क्या मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं, मेरे को डर लगता है, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं, मैंने कभी प्रचार किया नहीं, मैंने अपने दोस्तों को कभी बताया नहीं, क्या मैं अब बता सकता हूं, नहीं, वे मुझको मारेंगे, वे मुझको पागल कहेंगे, वे मेरे साथ दोस्ती छोड़ देंगे। बहुत सारे डर है हम लोगों को, लेकिन बाइबल बताती है ये 70 चेले आनंद से लौटे। कोई भी फ्रैक्चर्ड हाथ लेके नहीं लौटा, कोई भी पट्टी बांध करके नहीं लौटा, और कोई भी मरहम लगा करके नहीं लौटा, कोई आंसू बहाते हुए नहीं लौटा। लिखा है ये 70 के 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, प्रभु जी तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, तेरे नाम से। प्रभु यीशु ने जब इन 70 चेलों को भेजा था तो अलग से ऐसा अधिकार नहीं दिया। देखिए अगर आप मेरे साथ एक पन्ना पीछे पलटाएं, लूका के 9वें अध्याय और उसके पहले वचन को देखेंगे तो वहां पता चलेगा यीशु ने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों को दूर करने के सामर्थ्य और अधिकार को दिया। 12 चेलों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिल गया, बीमारियों पर अधिकार मिल गया, सब प्रकार के इस अधिकार से भर दिया, और ये 12 जाकर के प्रचार कर रहे थे। लेकिन 70 चेलों ने सिर्फ ये बात बोलने के लिए, प्रभु यीशु आपके पास में आ रहा है, मेरे और आपके पास में, आप पहला डर सोचते हैं, अधिकार तो है ही नहीं, हमारे पास में चंगाई की सामर्थ तो है ही नहीं, मेरे पास में तूफानों को और पानी पे चलने की सामर्थ नहीं है। नहीं है, आपके पास में सुसमाचार है, प्रभु यीशु आ रहा है। यही वाक्य को लेकर के ये 70 लोग निकले थे, जब लेकिन लौटते हुए आए तो मालूम है क्या बोले, उन्होंने कहा यीशु तेरे नाम को ले लेने से, इन योर नेम इज पार, यानी महज तेरा नाम क्या लिया तो उस घर में गए तो वो बीमार खड़ा हो गया, हमने तेरा नाम क्या लिए तो वो लकवे का मारा खड़ा हो गया, हमने तेरा नाम क्या लिए तो वो बच्चा दौड़ने लगा, हमने तेरा नाम क्या लिए तो वो पश्चाताप करने लग गया। तेरे नाम में क्या सामर्थ है प्रभु जी, उन्होंने कहा तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं थर 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 कांपती है, भाग जाती है। और आपको मालूम है प्रभु यीशु ये वाक्य सुनकर के थोड़े से सीरियस हैं, इन्हें 70 चेलों को लगा कि प्रभु यीशु भी नाचने लग जाएंगे और बोलेंगे हे तुम 70 के 70 कितने पावरफुल हो गए। और 70 जब नाच रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनकी सुन रहे थे और उनको मालूम है क्या बोला है, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी सुनती हैं। ये वाक्य को थोड़ा गौर से सुनना, हाँ, हम लोग अपने आप को ना बहुत छोटा सा समझते हैं और इसीलिए शैतान हमको ऐसे ही दबा करके रखता है, वो हमको सही तस्वीर के पास में जाने ही नहीं देता है।
इस बात से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। क्या हमने कभी इस बात को देखा? क्या हमने अपने जीवन में इस बात का आनंद मनाने की कोशिश की है? क्या हमने इस बात को जाना कि हमारे नाम परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में लिख के रखे हैं? क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बताती हैं? वो सील बंद पुस्तकें हैं। ये सील बंद पुस्तकें केवल प्रभु यीशु खोल सकता है, मतलब इसमें लिखी हुई बातें बदलने नहीं वाली हैं। प्रभु यीशु के हाथ से ये पुस्तक खोली जाएगी। सरकारी सील तोड़ नहीं सकते, तोड़ दिए तो जेल हो जाती है, उसमें अंदर फेरबदल नहीं कर सकते। अगर दुकान के ऊपर सरकार ने आके सील लगा दिए, इनकम टैक्स वालों ने आके लगा दिए, फ्रूड एंड अडल्ट्रेशन वालों ने आके लगा दिए, अगर वो सील टूट गई तो उल्टा केस बैठ जाएगा, कैसे क्या सील टूट गई। तो जीवन की पुस्तक में मेरा नाम आपका नाम लिख करके रखा हुआ है। क्या हम जानते हैं प्रभु यीशु ने इन 70 को सिर्फ भेजा था चेले का मूल्य बनने का बता दिया, 70 चेलों ने बोले ठीक है। उनको यह नहीं मालूम था कि इनके ठीक है बोलने के बाद, उनको यह नहीं मालूम था कि प्रभु जी हम आपका काम करने को निकल पड़ते हैं। उन्हें लग रहा था इनाम बाद में मिल गया, उसी दिन इनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिए गए उसी दिन। और इसीलिए जब ये लौट के आ रहे हैं तो प्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा कि हां चलो तुम्हारा नाम बताओ, मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा देता हूं, परंतु यीशु ने कहा दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में, अरे छोटी सी बात है, उसके लिए आनंदित मत हो, परंतु इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज इसी विचार को लेकर के मैं रुकना चाहता हूं। आज मेरे और आपके पास में आनंद करने का एक कारण है, और वो कारण यह है कि मेरा और आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और इससे पहले कि 70 चेलों को मालूम पड़ता, प्रभु जी ने उनके नाम लिख दिया। हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं उसके बाद हमको ये इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ हां कह दिया, हां प्रभु जी मेरे से जितना जमता मैं करूंगा, मैं 5 का 10 कर सकता हूं, दूसरे ने बोला मैं 2 का 4 कर सकता हूं, एक वाला अगर कह दे कि प्रभु जी मैं 1 का सिर्फ 2 बना पाऊंगा, तो दृष्टांत बताता है उन सब को बराबर बराबर इनाम मिला। आज इन 70 चेलों में हमारी गिनती होना चाहिए। मजे की बात बताऊं, इस समय जितने लोग मुझे दिख रहे हैं ना, करीब करीब 70 दिख रहे हैं, 70 लोग हैं हम लोग। ये 70 लोगों के नाम मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी अपनी जीवन की पुस्तक में आज लिख ले। यदि आज सिर्फ हम कह दें बस प्रभु जी तैयार हूं, ठीक है तेरे आने के दिन तक अगर सिर्फ 10 लोगों को बता पाया मैं कि तू आ रहा है और प्यार करता है, हमको लेकर के जाएगा, बस इतना ही सुनाना है। आपके पास में इतना ही सुसमाचार है, आपके पास में अभी बहुत बड़े बड़े अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप काम पर निकल जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यीशु का नाम क्या लोगे तो वहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। आप प्रभु यीशु का नाम क्या लोगे, वो बीमारियां भाग जाएंगी। प्रभु यीशु के नाम में जो सामर्थ है, वो सारा अधिकार उसने हमें दे रखा है। एक आखिरी वचन पढ़ता हूं और समाप्त करूंगा, और वो है 21वां वचन कि उसी घड़ी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। तो चेलों के पास में कारण था, दुष्ट आत्माएं हारती हैं इसलिए खुश हो रहे थे, लेकिन यीशु आनंद करने का सही कारण बता रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरे जाकर। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे तब हमको वास्तविक आनंद होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवते प्रेमी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, अपने एक लौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजने वाले परमेश्वर, और अपने एक लौते के बलिदान के रक्त के द्वारा हम सबको अनंत जीवन में ले जाने वाले परमेश्वर, आज हम आपसे पहली विनती तो यह करते हैं प्रभु जी कि खेत तैयार हो गए, फसलें पक करके तैयार हो गई हैं, लेकिन मजदूर थोड़े से हैं। प्रभु जी आज हम आपसे विनती करते हैं कि खेत के लिए मजदूरों को भेजिए। आज मैं 70 चेलों के सामने खड़ा हूं प्रभु जी,
आज आपका वचन इनके सामने है। इनमें से कुछ छोटे बच्चे हैं, इनमें से कुछ जवान हैं, कुछ बड़े हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन हर एक के क्षेत्र में आपने उनके दोस्तों को दिया है जिन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है, जिन्हें उद्धार का टोप पहनने की आवश्यकता है। और यदि केवल आज हम आपको इस बात के लिए हाँ कहते हैं, तो आपने हमारे लिए कहा है तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे। हमारे सामने न जाने कितने सारे भूखे और प्यासे हैं। आपने हमसे भी कहा है कि यदि हम इन छोटों में से किसी एक को थोड़ा सा ठंडा पानी पिला दें, एक ऐसा जल जो जी को ठंडा कर दे, आज इस संसार की अशांति को दूर करने के लिए एक कटोरा ठंडा पानी चाहिए। जो पाप के कारण तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, उनको जीवन जल यीशु का बहता हुआ मिलने की आवश्यकता है। आज आप मुझको देख रहे हो, मेरे इन सारे प्रिय भाई बहनों को देख रहे हो, और जितने इस समय हां कहते हैं, प्रभु आपने अपनी कलम को उठा लिया है और आप हमारी तरफ देख करके हमारे नाम को अपने पुस्तक में लिख रहे हो। हे प्यारे परमेश्वर, हमारी योग्यता के कारण स्वर्ग नहीं मिलने वाला हमें। हम जानते हैं हम कितने गंदे हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने मैले और चिथड़े वाले लोग हैं, लेकिन ये केवल आपका अनुग्रह है, केवल आपका अनुग्रह है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, यीशु के क्षमा करने वाले लहू पर विश्वास करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। बहुत थोड़े से दिन बचे हैं कि प्रभु यीशु आपका आगमन होगा, और तब तक हम इन 70 चेलों के समान सारी दुनिया को आपके राज्य में जमा करने के लिए काम करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने भी आज की इस फेलोशिप में जुड़े हैं, हर एक के लिए धन्यवाद, उनके जीवन के लिए धन्यवाद, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आवश्यकताओं का आपके सामने रखते हैं। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि अब हमको बटुओं की जरूरत नहीं है, झोली की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत नहीं, लाठी की जरूरत नहीं है। हे दयालु परमेश्वर, केवल आपके पवित्र आत्मा को लेकर के हम चले, क्योंकि हमारे आनंद का कारण पवित्र आत्मा है। हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में, उस दोधारी तलवार में जो परमेश्वर का वचन है, आज शैतान से लड़ेंगे, दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से लड़ेंगे। हे दयालु परमेश्वर, अंधेरे की हर एक ताकत झुकेगी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बेहद निकट है। प्रभु जी, हम उस बात के लिए, उस दिन के लिए, उस तोहफे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारी मदद करिए। प्यारे परमेश्वर, जितने बीमार हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, जो अस्पताल में, विशेष करके इन बच्चों के लिए, प्यारे प्रभु जी, आपसे विनती करता हूँ कि वे शीघ्रता से छूट करके अपने घर को आए, और बेहद धन्यवाद और आशीष और जय जयकार का कारण हो, उनका घर गूंजे और परमेश्वर का को महिमा मिले। हे दयालु परमेश्वर पिता, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो मेडिकल क्षेत्र में रहते हैं और मरीजों की सेवा में लगे हैं। प्यारे प्रभु जी, उनकी मदद करिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो वचन को सुनाते हैं प्रभु जी, ऐसे सब तेरे दास और दासियों के ऊपर प्रभु जी आप अपने कृपा और आशीष का हाथ रखिए। प्यारे परमेश्वर पिता, जो बहुत नन्हे से बच्चे हैं और जो बहुत बुजुर्ग हैं, हे प्यारे परमेश्वर, आप उनके शरीर की सामर्थ बन जाइए। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन बीमारों के लिए जो अपने बिस्तरों पर है, आप प्रभु जी अपनी सामर्थ से उनको परिपूर्ण कर दीजिए, भर दीजिए, और प्रभु स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण कर दीजिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आगे के जीवन को फिर से एक बार आपके सुरक्षित और पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर, आमीन।